हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है कि जिस वैकेंसी का आप लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे, EMRS की, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स की, तो उनकी वैकेंसी आ गई है। ठीक है, वैकेंसी अभी कुछ पोस्ट पर ही आई है, जैसे कि 4062 पोस्ट पर अभी वैकेंसी आई है, जिसमें से प्रिंसिपल, PGT, लैब असिस्टेंट और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। अभी कुछ वैकेंसीज नहीं आई हैं, क्योंकि आप सभी सोच रहे होंगे कि 38,000 प्लस वैकेंसीज आनी हैं और अभी सिर्फ थोड़ी ही वैकेंसी आई है। तो वो इस वजह से कि ये जो टोटल 38,000 प्लस वैकेंसीज हैं, वो आपको 3 साल में देखने को मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि जो स्कूल हैं, एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल, वो 750 समथिंग बनने को हैं, जो अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं। कुछ स्कूल बने हैं जिसमें से कुछ वैकेंसीज़ तो आपको सिर्फ प्रमोशन के ज़रिए देखने को मिलेंगी, और कुछ वैकेंसीज़ आपको एज इट इज़ जैसे नोटिफिकेशन के द्वारा आपका रिक्रूटमेंट होगा। ठीक है, तो एक साथ सारी वैकेंसी नहीं आएंगी, क्योंकि अभी सारे स्कूल रेडी नहीं हुए हैं। तो अपनी प्रिपरेशन जो है, वो जिसकी भी वैकेंसी निकल रही है, और आप उसमें अप्लाई करिए और अपनी प्रिपरेशन वैसे ही करिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, ये एकलव्य EMRS की वेबसाइट है। आप यहाँ पर रिक्रूटमेंट पर क्लिक करिएगा तो आपका ये रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसमें भी देखिए, आप पूरा लिखा हुआ है कि EMRS में इंफॉर्मेशन बुलेटिन, एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश में, हिंदी में, सिलेबस ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अप्लाई ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, द सिलेबस ऑफ PGT एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आपको ये सारे ही सिलेबस टेलीग्राम चैनल पर दे दिए गए हैं, आप सभी उसको ज्वाइन कर लीजिए और सिलेबस देख लीजिए। जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है, उस पोस्ट पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मेन किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि पोस्ट PGT की पोस्ट निकली है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ PGT ही फिल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रिंसिपल, PGT, नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सभी में अलग अलग अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना आप कि आप किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे प्रिंसिपल, अगर आप एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के लिए तो आप प्रिंसिपल पर भी अप्लाई करिए, PGT की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो PGT की पोस्ट के लिए भी अप्लाई करिए, और अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एलिजिबल हैं तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जिस भी सब्जेक्ट से आपको फिल करना है, उसका सिलेबस डाउनलोड ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जो PDF हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन की, कि इंफॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो क्या है। देखिए ये पूरा किस तरह से इन्होंने दिया है, वो सभी आप देखिए समझिए। हम सिर्फ जो मेन पॉइंट्स हैं उनके उसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो पोस्ट आपकी निकली हुई है प्रिंसिपल की, उसकी जो फीस है वो 2,000 रखी गई है, PGT की 1,500 है, नॉन टीचिंग स्टाफ की 1,000 रुपये है। ठीक है, डेट अभी जो लास्ट इन्होंने दे दी है, बट फॉर्म कब से फिल होंगे, 31 जुलाई से पहले ही फिल होंगे, यानी कि जुलाई स्टार्टिंग में जहाँ तक है आपके फॉर्म फिल होने लगेंगे। तो अभी इन्होंने जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो नहीं दी है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम देख लीजिए कि 180 मिनट्स का आपका टीचिंग स्टाफ का एग्ज़ाम होगा और 150 मिनट्स का आपका नॉन टीचिंग स्टाफ का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, और ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन का भी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट की, तो प्रिंसिपल की 303 पोस्ट है, PGT की 2,266 पोस्ट हैं, अकाउंटेंट की 361 हैं, और ऐसे ही सभी की पोस्ट हैं। टोटल आपकी 4,062 है। JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट की भी पोस्ट कम नहीं है, 759। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है। यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए इन्होंने दे रखा है कि कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी क्या पोस्ट हैं, ऐसे ही PGT भी कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन्होंने पोस्ट दी है, कि जो PGT की पोस्ट है वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस की PGT पोस्ट निकली है। ठीक है, और अदर जो लैंग्वेजेस वगैरह हैं उनकी भी PGT पोस्ट है, जैसे मराठी, उड़िया, तेलुगू, संस्कृत, बंगाली, संथाली, इन सभी की भी पोस्ट है।
ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ की भी देख लीजिए, जूनियर सेक्रेटरीज, असिस्टेंट, अकाउंटेंट, लैब अटेंडेंट, सभी की पोस्ट काफ़ी अच्छी दी हैं और स्कूल भी अच्छे हैं, वेतन भी अच्छा है, तो आप सभी अप्लाई ज़रूर करिएगा। हो सके तो अगर आप एलिजिबल हैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए तो उसको भी अप्लाई, उन सभी पोस्ट पर अप्लाई करिएगा। ठीक है, लेवल देख लीजिए प्रिंसिपल पोस्ट का, पे ऑफ मैट्रिक्स में लेवल 12 पर आपको वेतन दे रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड PGT के लिए लेवल 8 है, अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 है, JSA लेवल 2 है, लैब अटेंडेंट आपका लेवल 1 है। ठीक है, तो जो आपको वेतन मिल रहा है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, ठीक है, पेन पेपर बेस्ड। आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कई मीटिंग्स में पेपर होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है, जिससे कुछ बच्चे असंतुष्ट रह जाते हैं कि हाँ उनका पेपर तो अच्छा हुआ था बट नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो गए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो एक ही दिन में हो जाना है और OMR बेस्ड पर एग्ज़ाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी जो मीडियम रहने वाला है लैंग्वेज का वो हिंदी इंग्लिश है या फिर आपने जो भी चूज़ किया है वो रहेगा, यहाँ पर हिंदी इंग्लिश ही है। अब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो उसमें आपका रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स की होगी, जनरल अवेयरेंस आपका 20 मार्क्स का है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी आपका ये 20 मार्क्स का है। ठीक है, एकेडमिक जो आपका रहा है, रेसिडेंशियल एस्पेक्ट जो आपने अभी तक क्वालिफाइंग किया है, हाई स्कूल इंटर वगैरह उन सब का एकेडमिक्स में वो 50 मार्क्स का आपके जोड़े जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस वगैरह आपका 50 मार्क्स का, टोटल 150 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, 3 आवर्स का एग्ज़ाम है। ठीक है, इसमें जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसके मार्क्स भी आपके जोड़े गए हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं PGT की, तो PGT में इन्होंने बोला है कि 130 मार्क्स में जिसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है 20 मार्क्स वो आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, उसके मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाएंगे। जनरल अवेयरेंस 10 का है, जनरल रीजनिंग एबिलिटी 20, नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर के बारे में वो भी आपका 10 मार्क्स का है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। ये मेन आपका ये है सब्जेक्ट आपका जो है वो 70 मार्क्स का है, 70 मार्क्स का है, और 5 मार्क्स की आपकी पेडागॉजी है एंड 5 मार्क्स की आपकी NEP 2020 आएगी। ठीक है, तो ये 5-5 मार्क्स तो आप लोग बिल्कुल पक्के ही कर लीजिएगा कि पेडागॉजी आप अभी तक सभी में एग्ज़ाम्स में पढ़ते आ रहे हैं, CTET से लेकर NVS, KVS, DSSSB, इन सभी में पेडागॉजी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये मार्क्स तो आपके जाने ही नहीं चाहिए। पार्ट 4 देख लीजिए, इन्होंने ये बोला है कि दिस पार्ट इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज। मान लीजिए 10 नंबर की अगर हिंदी आ रही है तो आपको 10 में से 4 नंबर लेकर आने हैं, 10 नंबर की अगर इंग्लिश आ रही है तो आपको उसमें भी 4 नंबर लेकर आने हैं, यानी टोटल 20 में से आपको 8 नंबर ही लेकर आने हैं। तो ये तो आप कर ही लेंगे, जब ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा तब आपका अदर पार्ट चेक होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम है। ठीक है, तो PGT के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि कैसे होगा। अब बात करते हैं इसी तरह अकाउंटेंट की, इसमें भी सब वही है, इसका जो मार्क ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट है वो 2.5 आवर ड्यूरेशन है, यानी कि 2.5 घंटे आपको दिए जाएंगे। इसमें भी रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जनरल अवेयरेंस, ये सारी चीज़ें हैं। सब्जेक्ट आपका जो भी है अकाउंटेंसी, एनुअल टैक्सेशन, अकाउंट्स, बजट वगैरह, उसका भी आपका 40 मार्क्स का टेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरह JSA का भी है, लैब अटेंडेंट, ये सभी आपको जो PDF मिलेगी आप उसमें देख सकते हैं। OMR शीट के बारे में इन्होंने बात की है कि स्कैंड इमेज OMR शीट जो हमेशा हर एग्ज़ाम में होती है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये सारी चीज़ें वही हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट कितनी रहने वाली है। तो प्रिंसिपल की एज लिमिट 50 ईयर से ज़्यादा ना हो, ठीक है, और EMRS एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर। मतलब कितनी अच्छी जॉब है कि 55 ईयर में आपने जॉब ली एंड 65 समथिंग में आप रिटायर हो गए। ठीक है, और पे भी आपका काफ़ी अच्छा है, तो पोस्ट तो अच्छी हैं और पे स्केल भी अच्छा है, तो अप्लाई ज़रूर करिए। इसके लिए एकेडमिक में मास्टर डिग्री हो, BEd डिग्री भी होनी चाहिए, 12 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल या एज ए PGT TGT टीचर। ठीक है, मतलब 12 ईयर का आपका कंबाइंड जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें डिज़ायरेबल की, फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल है तो उसमें भी आपको इस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने किसी आवासीय स्कूल में अगर वर्क किया है तो आपको पहले प्रेफरेंस देंगे।
प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश और जो जिस स्कूल में जिस क्षेत्र में आपका ज्वाइनिंग हो रही है उस क्षेत्र की भाषा आपको आनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो सभी में ही मांग लेते हैं आजकल, तो कंप्यूटर की नॉलेज तो कॉमन हो गई है और आप सभी को आती भी होगी, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन जो एस सी एस टी ओ बी सी का रहता है, मतलब 3 साल ओ बी सी के लिए, एस सी एस टी के लिए 5 साल, तो वो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। बात करते हैं पी जी टी की, तो पी जी टी में क्या है, 40 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन एस सी एस टी ओ बी सी के लिए वैसे ही रहेगा। ई एम आर एस एम्प्लॉइज़ के लिए 55 ईयर की छूट है, 55 ईयर तक वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि जो जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी में, इंग्लिश से कर रहे हैं तो पी जी टी इंग्लिश में, मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। बट पी जी टी बायोलॉजी से अगर आप कर रहे हैं तो आपकी बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी में से किसी एक सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। कॉमर्स से कर रहे हैं तो ये देखिए, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये सब्जेक्ट कैटेगरी है, इस तरह से आप देख सकते हैं सभी। अब इसके लिए इन्होंने क्या क्या कहा है कि मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन सब्जेक्ट मेंशन अबव द, ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, इनके बारे में बात नहीं करते हैं। इन्होंने ये बोला है कि बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्सेज बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो बीएड ज़रूरी नहीं है, अदरवाइज बीएड ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बीएड आप करिए, बीएड आपका होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन वही है आपका, 40 ईयर एज है, 55 ईयर ईएमआरएस एम्प्लॉइज़ के लिए है। अकाउंटेंट के लिए भी देख लीजिए कि 30 ईयर अकाउंटेंट के लिए है यहाँ पर, जैसे कि भी 30 ईयर है, लैब अटेंडेंट की भी 30 ईयर है, बट ऑल एवर पोस्ट जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में ईएमआरएस एम्प्लॉइज़ के लिए 55 ईयर एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। लैब अटेंडेंट यहाँ पर 10th पास विद अ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या फिर 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें वही हैं, यहाँ पर एज के बारे में जो छूट दी गई है वो वैसी ही है कि 5 ईयर शेड्यूल कास्ट एस सी एस टी के लिए है, 3 ईयर ओ बी सी के लिए है, और जो वुमेंस हैं कैटेगरी की, ऑल कैटेगरी वुमेंस, ठीक है, वुमेन ऑल कैटेगरी, उनको 10 ईयर की छूट यहाँ पर दी है। यानी कि अगर आप 40 ईयर्स तक के हैं मैन में तो वुमेन आप 50 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वुमेंस के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको तो आप ज़रूर मतलब कवर करिएगा। एंड नेक्स्ट वही सारी चीज़ें हैं, तो आप इसका पीडीएफ देखकर अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेन जो जो पॉइंट थे जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पर कवर की हैं। अभी पोस्ट से प्रिंसिपल पीजीटी और नॉन टीचिंग स्टाफ की ही निकली है, ठीक है। जनरल पार्ट का जो सिलेबस है वो सभी का सेम होगा यहाँ पर, जैसे मैथ हो गया, जीएस हो गया, ये सारी चीज़ें, बट आपके सब्जेक्ट का सिलेबस अलग अलग होगा। सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो केवीएस पीजीटी एनवीएस पीजीटी इन सभी से लिया गया है, कुछ कंबाइंड भी बने हैं, कुछ अलग बने हैं, कुछ केवीएस पीजीटी का एज इट इज़ ले लिया गया है, चेंजेस भी हुए हैं। तो आप सिलेबस डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, एंड टीजीटी वालों के लिए ये तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई, क्योंकि उसमें सीटेट क्वालिफाई मांगा है, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सीटेट क्वालिफाई मांगा है, सीटेट आपके पास होना चाहिए। तो आप जिनका भी सीटेट क्वालिफाई नहीं है वो अभी अगस्त वाले सीटेट पर फोकस करें, ठीक है, सीटेट क्वालिफाई करें और टीजीटी की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट क्वालिफाई करना, क्योंकि सीटेट की से रिलेटेड कई सारी वैकेंसीज आपको मिलने वाली हैं, जैसे बिहार की ही वैकेंसी में ही सीटेट है। तो अभी हम बात उन सब की नहीं करते हैं, बात हम सिर्फ यहाँ पर ईएमआरएस की करते हैं। तो टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीटेट पर फोकस करिए और वेट करिए टीजीटी की वैकेंसी का। अभी जो वैकेंसीज आई हैं प्रिंसिपल पीजीटी लैब अटेंडेंट नॉन टीचिंग स्टाफ्स, तो उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम्स जब भी होना है तो वो आपको पता ही चल जाएगा। तो इतने यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल है जो भी इस तरह की फॉर्म फिल करना चाहता है उनको चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।